गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले कोहिमा, करीबन यहाँ से 8-9 किलोमीटर बाकी है, तो ये भाई हम लोग ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मिलेगा पाइनएप्पल का जूस, तो भैया जी हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग कहने क्या हो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, ना गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड। तो आज है 3 दिसंबर 2022 और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने भांजे के घर से और जा रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हम लोग अभी करेंटली है दिमापुर में, अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। अभी यहाँ से ऑटो में जाएंगे और घोड़ा के बाद उस पर रहेगा और एक टेम्पू, उसमें चढ़ कर हम जाएंगे पूरा बस स्टैंड तक या फिर इंद्रशन तक। तो उधर जाके रिजर्व करना पड़ता है गाड़ी, इतने में कितना आदमी है और उसी हिसाब से कितना पड़ेगा एजेंट का, तो रिजर्व करके जाएंगे आप लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल की तरफ। दिमापुर स्टेशन में और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी है, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये सब गाड़ी है, ये सब बुक करना पड़ता है हॉर्नबिल फेस्टिवल जाने के लिए और यहाँ से जो रेट है और 330 रुपीज़ है, फिक्स रेट है। तो यहाँ से आप लोगों को जाना पड़ेगा कोहिमा तक, कोहिमा से किसीमा तक करीबन 12 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ से भी गाड़ी मिलता है। रमेश जी और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और 2 जन के लिए इंतजार कर रहे हैं, जब 4 जन हो जाएगा तब यहाँ से गाड़ी छोड़ेगा, ये अल्टो कार गाड़ी मतलब जो भी है। तो गाइस ऐसे ही बैठे हुए हैं और टाइम पास कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग को एक चीज दिखाने के लिए भूल गया था, अब भैया ये फ्लैग तो यहाँ पे लगाता है जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, वो अच्छा अच्छा ब्राजील का फ्लैग है और एक्चुअली अभी फुटबॉल चल रहा है ना, इसलिए ये सपोर्ट ना, हाँ तो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ब्राजील को, तो इसलिए लगाया गया है। ये है पुर्तगाल का फ्लैग, तो कोई कोई ब्राजील को सपोर्ट कर रहा है, कोई कोई पुर्तगाल को सपोर्ट कर रहे है। तो गाइस फाइनली बहुत देर बैठने के बाद हम लोग का गाड़ी छोड़ दिया है कोहिमा तक और हम लोग चल रहे हैं और आप लोग को कुछ सीनरी दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छा सीनरी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माउंटेन का सीन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग और चारों तरफ गिनरी गिनरी है और देखने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग हेवन में आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले कोहिमा, करीबन यहाँ से 8-9 किलोमीटर बाकी है और सामने भैया जी है। आप सर आपका नाम बोल लीजिए पहले। मेरन 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 एजेंट क्या है? जमीर जमीर। सुंदर लड़कियाँ है हम लोग के साथ, मतलब शेयरिंग की है जाने के लिए, तो उनका भी परिचय ले लेते। तो आपका नाम बोलिए। नाम सुधर तो गाइस करीबन 2 घंटा समय बिताने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कोहिमा के स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में और यहाँ पे गाड़ी से हम लोग दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होंगे और उसी गाड़ी में हम लोग जाएंगे किसीमा तक जहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ से रेंट करीबन एक गाड़ी मतलब एक जो एल्टो है उसमें 700 रुपीज़ का दरकार होगा आप लोग को। तो आप लोग
चाहे शेयर करके भी जा सकते हैं या फिर आप लोग सिंगल गाड़ी लेके भी जा सकते हैं। तो शेयर करने से चार जन जा सकते हैं, आप लोग सामने देख सकते हैं जो भी एल्टो है। तो चार जन जाने से आप लोग को 700 रुपीज़ को चार जन में डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप लोग सिंगल जाएंगे तो आपको खुद 700 रुपीज़ देना पड़ेगा। सो गाइज, फाइनली वी रीच्ड द डेस्टिनेशन, द हॉर्नबिल फेस्टिवल, एंड वी इन द थिएटर। गाइज, अभी फाइनली पहुंच चुके हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो यहां पर पहुंचने के लिए करीबन हम लोग को 2.5 घंटे का रास्ता पार करना पड़ा। अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं, फ्रेश होने के बाद आप लोग को दिखाएंगे कुछ यहाँ का जो नज़ारा दिखाएंगे आप लोग को। तो चलिए जाते हैं ऊपर, तो ऊपर के तो जाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा कि सीन कैसा है। यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम है। सो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है नागा ऑर्गेनिक पेविलियन, मतलब तो यहाँ पे जितना भी सामान मिलेगा आप लोग को सब कुछ ऑर्गेनिक में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या चीज़ मिलता है यहाँ पर। ये क्या है भाभी, ये क्या चीज है? सोयाबीन। और ये सब तो बीन्स है ना। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ ऑर्गेनिक मिलेगा आप लोग को यहाँ पे, एंड ऑर्गेनिक ना, पूरी प्योर ऑर्गेनिक। और ये आपका फ्रूट्स, वाइन जो है, ये सब ये ग्राफ्स का वाइन। और ये क्या है? फिश। ओके, ड्राई फिश। ये राइस बियर है ना, राइस बियर 100 रुपीज। नो नो ना, आई विल ड्रिंक लेटर। नो नो, जस्ट ब्लॉगिंग, दिस जस्ट फॉर ब्लॉगिंग, आई डोंट वांट टू बाय। ओके, आई विल बाय लेटर। ओके, सो ये है नागा वाइल्ड एप्पल वाइन है। ये सब सीड्स है ना, सीड्स ऑर्गेनिक सीड्स है, ऑर्गेनिक है सब। सो यहाँ पे दिखे टर्मेरिक पाउडर, और ये ऑर्गेनिक है ना मैम, ऑर्गेनिक है। गिंजर पाउडर आपको दिखाता हूँ, ये गिंजर पाउडर। भैया ये क्या है? अपाया। ये प्लेट कितना मिलता है? एक एक खाएंगे ना, हाँ 30 रुपीज़ दो प्लेट दे दीजिए। नहीं, एक प्लेट खाएंगे, एक प्लेट दो प्लेट, एक प्लेट दे दीजिए, एक प्लेट। तो हम लोग यहाँ पे पपाया खा रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है ना, पूरा ऑर्गेनिक। हाँ, तो पपाया 30 रुपीज़ पर प्लेट, और ये कितना में? 50 रुपीज़। तो यहाँ पे मिलेगा पाइनएप्पल का जूस, तो जूस का जो बोतल है यहाँ सामने है वो भी 100 रुपीज़ है, और आप लोग अगर उसको रोज खाना चाहते हैं तो वो भी 100 रुपीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे पाइनएप्पल का जूस पी लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, और ऑर्गेनिक लेमन भी है, ऑर्गेनिक रेड लेडी पपाया, ऑर्गेनिक मौसम भी, सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक में मिलेगा। तो गाइस, अभी हम लोग पाइनएप्पल खा लिया है, उसके बाद पाइनएप्पल खा लिया, उसके बाद पपाया भी खा लिया। अभी और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे देखिए क्यूए मिलता है, यहाँ क्यूए कैसे करके है? 100 रुपीज़ पर किलो पर, एक चुका नहीं, 100, अरे 100 रुपीज़ किलो पर केजी, 1 केजी में कितना होगा? 100। अभी नहीं देंगे हम लोग, जस्ट पूछ रहे, ठीक है बाद में लेंगे। सो गाइस, ये है कीवी 100 रुपीज़ पर किलो, और अगर आप लोग बाहर में खरीदेंगे जैसे कि आसाम में या फिर कोई अदर स्टेट में खरीदेंगे तो बहुत इसका दाम बहुत है। तो यहाँ पे शायद फार्म ये प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे दाम कम बोल रहे हैं लोग। और ये बनाना का है ना, बनाना पापड़ चिप्स, हाँ गाइस ये है बनाना का चिप्स, बनाना का चिप्स है ये। ये नागा मिर्चा है ना, नागा मिर्चा ड्राई। सो गाइस, ये है नागा मिर्चा ड्राई वाला, ये देखिए। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्न, देखिए
तो पहाड़ी एरिया में कॉर्न ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये चावल, शायद चावल होगा। और सर ये क्या, ये सब क्या होगा, ये सब क्या है? हाँ पेडी, हाँ हाँ। और धान रोपने से पहले जो बीज होता है तो यही है पेडी। अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए जूम पेडी। भैया ये क्या है, क्या करते हैं इससे? ओह ओके ओके। देखो ये इंटरनेशनल मिलेट में यहाँ में बहुत डिस्प्ले किया था, वो ये पूरा उसके बाद में मालूम बचेगा। ये बहुत अच्छा वाला चीज़ का है, खाने लिए बीमार और कुछ कुछ है वो खा के अच्छा रहता है। वो लोग पूरे देखो तो गाइस यहाँ पे देखिए जूम करके दिखाता हूँ। कंट्री है वो इंटरनेशनल मिलेट, डिस्प्ले किया गया है और यहाँ पे जितना भी मिलेगा सब लोकल है ना? वो जितना है यहाँ में है, डिस्प्ले किया था ना सब कुछ यहाँ पे है, पूरा यहाँ में है। हाँ वहाँ में है ना, वो लोग तो ऐसे है, उसको बाद में ग्रेन हो गया, उसको बाद में यहाँ मिल करके हमने लगा। राइट, तो दिस इज एक फूड ग्रेन है राइट, न्यूट्रिशन फूड ग्रेन। हाँ जैसे कि हम लोग खाते ना सेरेलेक वगैरह खाते हैं वैसे ही है। राइट ठीक है, तो ठीक है गाइस, ये हम लोग अभी एक्सप्लोर कर लिया है, अब जाएंगे मेन जगह पे जहाँ पर कुछ प्रदर्शित किया जाएगा, तो चले जाते हैं उधर। अरे कहाँ कैमरा कहाँ, चले सर अभी जाते हैं। गाइस ये तो जन्नत है भाई, जन्नत देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मतलब वो शेडो, सॉरी वो क्लाउड और पहाड़ का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये बच्चा भी है जा। सो गाइस अभी हम लोग टेंट जो है कैंप साइट बुक कर लिया है और अभी जा रहे हैं कैंप साइट की तरफ, क्योंकि देखना होगा कैसा कैंप साइट है। अगर आप लोग सिंगल लेंगे तो 1500 रुपया होगा और दो जन अगर शेयरिंग करके तो 1250 रुपया होगा पर हेड। तो अब जाते हैं टेंट की तरफ और देखते हैं क्या मसला है। और टेंट बुक करने के बाद हम लोग जाएंगे जहाँ पर वो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है ना सर? हाँ, तो उधर जाके हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और आप लोग को भी दिखाएंगे। हाँ, तो टेंट थोड़ा दिखाएंगे कैसे है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं टेंट की तरफ और देखते हैं कितना बड़ा टेंट है। अगर बड़ा होगा तो दो जन एक साथ शेयर कर लेंगे, अगर छोटा होगा तो अलग अलग ले लेंगे। सब टेंट का साइज सेम है क्या मैम? तो लो लो कटा टेंट, लो लो जिकनो बेटा होवा हुई लो मार कियास। ओ हो रे ये वस्तु पर जे आ या चीजें यहां पे रख जा सकते हैं क्या? हैं यस, कोई लॉक सिस्टम है? नहीं बट इट्स ओके वी आर हियर। ओके ओके यस, बस वो सब भी है ना? वो सब भी। अच्छा,
सो गाइस अभी हम लोग टेंट बेंट रेडी कर चुके हैं, सामान अंदर रख चुके हैं और जा रहे हैं अभी हम लोग जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होगा उधर। तो एक भैया जी मिले असम से, तो ये है गुवाहाटी से और बोरपटा से, आपका नाम बोल दीजिए। उमेश नाथ, कार डिस्प्ले करने के लिए। हाँ, कौन सा कार? थार किया। हाँ, वो मतलब मोटिवेशन होता है। ठीक है, मिलकर अच्छा लगा, बाय बाय। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, आज की कहानी में इतना ही। अगले एपिसोड में आप लोग देख पाओगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या क्या कार्यक्रम किया जाता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।